और हम लेके आ रहे साइफर सीनियर से शिखर तक, जो कल यानी 20 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। और ये मूवी मेरी बायोपिक मूवी है, इसमें हमने मेरी लाइफ का 30 इयर्स का स्ट्रगल दिखाया है। और ये मूवी में हमने मार्च 2017 से स्टार्ट किया था और अभी हम रिलीज़ कर रहे हैं, तो पूरे 3 साल लग गए हमें ये मूवी बनाने के लिए। लेकिन पूरे इमोशंस और अच्छी तरह से हमने ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जिसके कारण ऑडियंस को भी अच्छा लगे और मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ सके। और ये मूवी बनाने का मुख्य हमारे 3 उद्देश्य है। जैसे पहला उद्देश्य है, आप देख सकते हो मैं खुद 90% हैंडीकैप हूँ और मैंने खुद का रोल खुद ही प्ले किया है। इसके 3 जो मुद्दे, उसमें से जो पहला मकसद है हमारा मूवी बनाने का, जैसे हमारे देश में दिव्यांगों को देखने का एक नज़रिया चेंज हो और दिव्यांगों को एक मोटिवेशन मिले और उन्हें प्रोत्साहन मिले और उनके पेरेंट्स को एक असली दिशा मिले उसकी परवरिश करने के लिए। और सेकंड जो एम मुद्दा है हमारा, वो है एजुकेशन। मैं खुद पेशे से फार्मेसी हूँ और 10 साल के मैं मेरा खुद का मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ। तो मेन उद्देश्य हमारा यही है, आप लोग ही सोच लो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। आज अगर एजुकेशन नहीं होता मेरे पास, तो शायद ये मुकाम पे मैं आज आपके सामने नहीं होता। और जो तीसरा हमारा अहम मुद्दा है, वो है कि कई लोग यानी सोसाइटी में हर साल कई लोग सुसाइड करते हैं 10-20 टका परेशानियों के लिए, या फिर एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाए या कुछ भी हो जाए इसकी वजह से। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है कि मुझे तो भगवान ने 90% हैंडीकैप होंगे, दोनों हाथ नहीं दिए है, फिर भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, वो लोग क्यों सुसाइड करते हैं। और जो और भी एक मुद्दा है, जैसे विल पावर और फैमिली सपोर्ट, ये भी हमने मूवी में दिखाया है। मेन यही, अगर आपका विल पावर मजबूत हो तो आपको कोई भी चीज़ नहीं हरा सकती। और जो फैमिली सपोर्ट, तो यही बेस पे हम लेके आ रहे हैं साइफर सुनिए से शिखर तक, जो एक ट्रू स्टोरी है। और हमने इसको रियल कैरेक्टर और रियल मेरी जर्नी दिखाई है। और जो भी हमने शूटिंग का लोकेशन भी यूज़ किए है, वो सब रियल है। और ये मूवी में मेरे अलावा बॉलीवुड के और भी दिग्गज है, जैसे परीक्षित सहानी जी है, विक्रम गोखले सर है, दिव्या जगदले जी है, मुकेश भट्ट जी है, और हमारे रवि साहेब जी है, और भी काफ़ी है। और राजेश शर्मा भी सुनो। यस सर, राजेश शर्मा जी है और अरुण बाली जी है, कीर्ति अदाकर जी है, विजेंद्र काला सर है, मीनल कपूर जी है, रवि सर है, और शिशिर शर्मा जी है। और बाकी हमारा म्यूजिक पार्टनर टी सीरीज है। और हमारे 4 गाने हैं ऑलरेडी, जिसमें से एक गाना सोनू निगम जी ने गाया हुआ है, जो मेरी माँ, उसमें हमने पूरी जर्नी दिखाई है माँ और बेटे की, माँ कैसे अपने बेटे की परवरिश करती है। सेकंड जो गाना है वो मोटिवेशनल सॉन्ग है, जो कैलाश सर ने गाया हुआ है, उसमें मेरा पूरा स्ट्रगल दिखाया है। एंड थर्ड वन सॉन्ग इज द रोमांटिक सॉन्ग, एक हस्बैंड वाइफ की स्वीट मेमोरी हमने दिखाई है, जो जुबिन नौटियाल सर और ध्वनि भानुशाली जी ने गाया हुआ है। और फोर्थ वन गाना है मस्ती सॉन्ग है, जो दिव्या कुमार ने गाया हुआ है। तो कल हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है, आशा रखता हूँ आप लोग को भी पसंद आए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आप देख मिल जाए। धन्यवाद। हमारे मूवी के जो बढ़िया उद्देश्य परेश जी ने बताए, तो उनको देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट भी एक्चुअली GST के बाद किसी भी हिंदी मूवी को अभी तक टैक्स फ्री नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये GST के बाद पहला ऐसा हिंदी मूवी है जिन्हें गुजरात गवर्नमेंट टैक्स फ्री करने जा रही है। तो एक अलग मोटिवेशनल मूवी है, हर किसी को देखना चाहिए, अपने बच्चों को, बड़े को, सबको दिखा सकते हैं, फैमिली मूवी है। टैक्स फ्री हो गई? टैक्स फ्री की प्रोसेस चालू है हमारे रिलीजिंग के बाद। थैंक यू। आप बोलना मेरे को। हाँ सर, ओके। साइफर का मतलब होता है 0, शून्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मगर अगर किसी एक शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू वो 10 गुना बढ़ा देता है। हमारी कहानी का जो प्रोटोगनिस्ट है, उनको बचपन से समाज के लिए और लोगों के लिए एक साइफर नाम दिया गया, जो उसके काफ़ी मीनिंग्स होते हैं, लाइक बोझ, जो कुछ कर नहीं सकता, नथिंग। तो साइफर का आसान भाषा में वही मतलब होता है,
और जो प्रोटोगनिस्ट है क्योंकि टैगलाइन है शून्य से शिखर तक, तो कैसे उनकी पूरी जर्नी है कि कैसे वो जीरो से लेकर हीरो बनते हैं बावजूद इसके कि उनके हाथ नहीं है। तो एक कहावत है बहुत पुरानी कि पंखों में उड़ान होती है, तो ये फिल्म ऐसी है जो आपको सपने देखना सिखाएगी और क्यों हमें देखने चाहिए सपने, हमें जब अचीवमेंट मिलती है उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन होता है, उसके ऊपर ही पूरी फिल्म फोकस है। सर ये कैरेक्टर तो बता दिए, बाकी पिक्चर की वन लाइन स्टोरी बता दी। अब परेश भानुशाली जो बचपन से ही बिना हाथों के पैदा हुए, सबसे पहले उनका स्ट्रगल स्कूल को लेके था, तो हमारे लिए क्या होता है सोसाइटी में आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम पर्टिकुलर लड़ रहे हैं लेकिन बातें हम उतनी नहीं फैल पाती हैं, हो ना हो कहीं ना कहीं जो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं जो कहते हैं दिव्यांग शब्द उन्होंने एक नया लेके आए, तो देखने का नज़रिया वो जो बेचारा इसका क्या होगा वो नहीं, क्योंकि आई थिंक कोई भी अगर मनुष्य योनि में पैदा होता है तो वो विवेकानंद हो सकता है, कलाम हो सकता है, सिर्फ वो जीरो बन के रह जाए ये पॉसिबल नहीं है, और डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर कि फैमिली जैसे परे जी की जो कहानी है वो पूरी एक फैमिली फिल्म है, क्योंकि जो इनके माता पिता गुरु हैं जो हम भारतीय भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमारा तीन स्लोगन रहा है माता पिता गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है देव महेश्वरा, तो कैसे टीचर का एक इंपॉर्टेंस होता है एक बच्चे की लाइफ में अपने माँ बाप का पेरेंट्स का, क्योंकि मोस्टली इनके जो टीचर्स रहे हैं वो इनके माँ बाप रहे हैं, कैसे इनको लिखना सिखाया कैसे बाद में प्रैक्टिकल करना सिखाया, और बाकी तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि फिल्म काफ़ी मार्मिक है और बहुत कम ऐसा होता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा हिंदी सिनेमा हिंदी साहित्य जिसके लिए जाना जाता है काफ़ी टाइम के बाद वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो क्लासिक सॉन्ग्स हुआ करते थे, तो बिल्कुल आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ, और मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि काफ़ी पैसे हम खर्च कर देते हैं, ऐसे लोग जिनको ऐसी फिल्म दिखानी चाहिए कोशिश करना चाहिए 5 से 10 बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि हम 100 को दिखाएं, आप 2 बच्चों को भी ये फिल्म दिखाओगे तो ये सबसे बड़ी चैरिटी है, क्योंकि ये हमको नहीं पता हम कितना बिजनेस करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड एक अलग गेम है, अभी भी 4-5 फिल्में रिलीज हो रही है हमें नहीं पता, बट अगर कोई बच्चा फिल्म देख के बाहर निकलता है या कोई सुसाइड करने वाला है उससे पहले ये फिल्म देख के वो रोक देता है तो मेरी फिल्म की ये जीत होगी, हमारे सिनेमा की ये जीत होगी। सो गाइस प्लीज देखना ना भूलें, मुझे फिर वहीं से स्टार्ट करूं स्टार्टिंग से आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है ना। हेलो एवरीवन दिस इज नेहा हिरवे और मैं भी जस्ट पहुंची हूं साइफर के प्रीमियर में, सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंटेंट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, परेश ही जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं वलसाड़ से उनके ऊपर ये सारी मूवी बताई गई है और इसके डायरेक्टर हैं सागर जी, मैं सभी पूरी टीम को कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी और आप सभी जाइए बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, फैमिली बच्चे आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ गाइस। आपका रोल क्या है? मेरा कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही हूँ जो परेश जी है उनकी सिस्टर का, सो माई कैरेक्टर नेम इज मयूरी। थैंक यू। हेलो मेरा नाम तानिया मेहता है, मैंने दीपा मैम का रोल प्ले किया है। आपके बारे में बताइए फिल्म में क्या किया? मैंने दीपा मैम का रोल प्ले किया, मैंने अपनी लाइफ का रोल प्ले किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे रोल प्ले करके, पूरी फैमिली से मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको लगा। इसके पहले आपने कौन सी फिल्म करी? मैंने इसके पहले शॉर्ट फिल्म की है, ये मेरी पहली फिल्म है इनफैक्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने एज अ शॉर्ट फिल्म किया। ओके थैंक यू। आपके रोल के बारे में बताइए। माय ओन और यू हैव क्वेश्चंस, आपको कुछ पूछना है या मैं अपनी तरफ से शुरू? मैं बोला आपने क्या प्ले किया है पिक्चर में? हाँ, यहाँ पे मैंने ये जो परेश जी हैं जिन्होंने लीड किया है इसमें साइफर में, और उनकी सासू माँ नान भाई उसका कैरेक्टर किया है, शी इज़ द वन हु इज़ अपोजिंग कि मैं अपनी बेटी ऐसे आदमी को कैसे दूँ, सो शी इज़ नॉट कन्विंस्ड टू गिव हर डॉटर टू हिम, एंड वो जो फिर माँ का जो कश्मकश है कि मैं अपनी बच्ची को, क्योंकि हर माँ को अपनी बच्ची या अपना बच्चा हमेशा खूबसूरत है, वो कैसा है बेटी की स्टोरी को बता दिया। आपके हस्बैंड कौन प्ले करते हैं? आपके हस्बैंड राजेश शर्मा जी, आपने इसके पहले कौन सी फिल्म करी है? पहले द इंटरनेशनल मूवीज, रिबेलियस फ्लावर, एक आशा वन हो, द ऑस्ट्रेलियन वन विच इज फॉर रेडी फॉर रिलीज, एंड फिल्म फेस्टिवल में अभी बेस्ट क्रिटिक बेस्ट फिल्म अवार्ड मिल चुकी है, द नेक्स्ट मंथ की आरंभ रिलीज हो रही है, उसके पहले भिखारी अपकमिंग मूवी
अपकमिंग मूवीज है तो ये मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन जो प्रोजेक्ट है एक आशा वन होप वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज देयर देन यारम इज देयर देन तेरा मोह ये ऑन फ्लोर है रांची में हम कर रहे हैं इट्स अनटाइटेड लखनऊ जंक्शन वी आर शूटिंग इन लखनऊ. Thank you. Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.